अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है और आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आज ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि जब तक मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आएगा आपका आधार डाउनलोड नहीं होगा। हम आज की वीडियो में बताएंगे कि आप बिना OTP के आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल आदिल। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाएं और यहां पर सर्च करें आधार कार्ड। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पहले नंबर पर लिख के आ जाएगा लिंक UIDAI उदय, और ऊपर लिखा होगा UIDAI.government.in। इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर दिया है डाउनलोड आधार, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा। यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर तो रजिस्टर्ड है नहीं है तो OTP किस पर आएगा? तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर लिंक पर क्लिक करना होगा और यहाँ ये पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ हैश से पहले और इनके बाद इधर सबसे पहले एक ऐसा तिरछा डंडा खींच करें और सर्च करें FAADHAR आधार। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे तीर पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने आ जाएगा फेस यूथ एस ऑप्शन। अब यहाँ पर आप अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी है जो कि स्लिप मिलती है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी है उससे भी आप कर सकते हैं और आधार नंबर से भी कर सकते हैं। मैं आधार नंबर से करता हूँ। आधार नंबर डाल दिया है। अब नीचे स्क्रॉल करके आई वांट अ मास्क आधार पर क्लिक करके कैप्चा डालेंगे। यहाँ पर क्या कैप्चा है? SPB SP1 G। इस पर क्लिक करने के बाद आप फेस यूथ पर क्लिक कर दें। आपके सामने ये दो गलत और एक सही का निशान आया है। इधर नीचे इसकी कंडीशन लिखी है कि आप करेक्ट लाइटिंग में, मतलब लाइट आपके सामने अच्छी सही हो, और यहाँ आप मतलब फेस में एक तरफ मतलब काला नहीं होना चाहिए ना इस साइड पे ऐसे परछाई पड़नी चाहिए। और नीचे क्लिक ओके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको अपना चेहरा यहाँ ब्लू लाइन के अंदर ही रखना है और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा और उधर सबसे पहले आप यहाँ पर पहले लिखा है डिड यू नो डैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम उदय वेबसाइट। आपने ऑर्डर प्रिंट दिया था आधार का तो आप यस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना विद इन 5 वर्किंग डेज और यहाँ वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड ऐसे डालेंगे जैसे आपका नाम है अनीश कुमार और डेट ऑफ बर्थ आपकी 1989, तो आपका पासवर्ड होगा फर्स्ट नाम के पहले 4 अक्षर जैसे ANIS अनीश लिखा है और वो भी कैपिटल में, और आपकी ईयर ऑफ बर्थ 1989, ये आपका पासवर्ड होगा। चलो मैं आगे बता देता हूँ। अब यहाँ पर आकर वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप करेंगे, देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है आधार कार्ड। और अब यहाँ पर आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, जैसे मेरा नाम है आदिल, तो कैपिटल 4 अक्षर आदिल, ADIL, और डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ मेरी है 2001, तो मैं ईयर ऑफ बर्थ 2001, फिर ओपन पर क्लिक करता हूँ तो ये पासवर्ड आपका है ऐसा खुल चुका है। देखिए पासवर्ड डाउनलोड हो चुका है आधार कार्ड। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।